ओके गाइस, तो आप लोगों ने कैप्शन पढ़ लिया है और कैप्शन पढ़ने के बाद काफी सारे लोगों को क्लैरिटी मिलती है कि नहीं मिलती है, लेकिन मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा जो पीछे ये गाड़ी खड़ी है, ये है मारुति सुजुकी ए स्टार जो कि कंपनी वाले डिसकंटिन्यू कर चुके हैं। बहुत टाइम इस चीज को हो चुका है। विशाल की ये गाड़ी है, गाड़ी खरीदी गई है सेकेंड हैंड ट्रस्टेड जगहों से, और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कहाँ से कैसे और क्या क्या करके ये गाड़ी विशाल ने परचेज की है। सो ज्यादा टाइम खराब नहीं करते, सीधे चलते हैं वीडियो की तरफ। मुसाफिर की इस वीडियो को देखने से पहले सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूले। सब्सक्राइब का बटन दबाने के बाद इस बेल आइकन को दबाकर हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाए। तो आइए देखते हैं मुसाफिर की ये वीडियो। तो आज की वीडियो में आप लोगों को जो मेन कंटेंट है वो है हमारी ये मारुति सुजुकी ए स्टार। इसी के साथ में सेकेंड हैंड जो भाई गाड़ी खरीदने का सोच रहे थे तो उनके लिए ये वीडियो कहीं ना कहीं हेल्पफुल रह सकती है। तो अगर विशाल अभी शूट कर रहा है, थोड़ा सा पास आएगा तो मैं एक चीज आप लोगों को बताना चाहूंगा। ये गाड़ी है 2010 की और 2010 के अकॉर्डिंग इसका जो हमें प्राइस पड़ा है, जो कि आपने कैप्शन में देखा है, हमें पड़ी है ये गाड़ी 1.5 लाख रुपए की। और ये गाड़ी खरीदी गई है नोएडा की तरफ से। विशाल, हाँ नोएडा, नोएडा की तरफ से विशाल पीछे है ना, तो नोएडा से ये गाड़ी खरीदी गई है। और इस गाड़ी को जिन्होंने बेचा है वो है आपके महिंद्रा, देखा होगा आपने। सो महिंद्रा से खरीदा, क्या नाम है विशाल उनका? महिंद्रा फर्स्ट चॉइस। महिंद्रा फर्स्ट चॉइस, तो महिंद्रा फर्स्ट चॉइस से गाड़ी परचेज की गई है। इससे पहले केवल इसका एक ही ओनर था, सेकंड ओनर जो है वो विशाल बना है। सो गाड़ी की सबसे पहले कंडीशन आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो अगर आप लोग इस साइड में आएंगे, सबसे पहली चीज गाइस, जब भी आप सेकेंड हैंड गाड़ी खरीद रहे हो प्लीज एक्सपेक्ट मत करना कि गाड़ी कहीं से आपको रीपेंटेड नहीं मिलेगी। गाड़ी 200% रीपेंटेड मिलती है। तो साइड प्रोफाइल से गाड़ी की आप लोग देख सकते हो, गाड़ी के जो टायर्स है वो ओके रिपोर्ट है, यानी कि 60-70% ओके रिपोर्ट इसके टायर्स है। आपको व्हील कैप्स नहीं मिली है। एक बार साइड प्रोफाइल देखना चाहो तो देख सकते हो, जो आपके हैंडल्स है वो आपको सेम कलर के मिलते हैं। रीजन बीइंग, अगर आप लोग पीछे की साइड में आओगे, सो दिस इज द ZXi मॉडल विथ ABS। सो 2010 का ये मॉडल है, इसलिए इसके अंदर ABS आता है, जो कि एक इसको रिफॉर्म्ड गाड़ी तो बना ही देगा। इसी के साथ में अगर पीछे का प्रोफाइल देखना है, पीछे की प्रोफाइल देख सकते हो, गाड़ी की लाइट्स लुक अमेजिंग। इसी के साथ में फ्रंट और बैक की लाइट जो है वो एब्सोल्युटली फाइन काम करती है। गाड़ी के इंटीरियर की तरफ चलते हैं, तो गाड़ी के अंदर आपको सेंट्रल लॉकिंग का ऑप्शन मिलता है, एक चाबी ये है एक चाबी और है। सो गाड़ी को ओपन करते हैं। ओके गाइस, तो एक बार आप लोग इंटीरियर की तरफ देख लो, फिर मैं आप लोगों को थोड़ा सा और बताता हूँ इसके बारे में। सो दिस इज हाउ द इंटीरियर लुक्स लाइक, बिल्कुल नीट एंड क्लीन इसका इंटीरियर है। गाड़ी में आपको सिस्टम मिलता है जो कि इनबिल्ड है, रीजन बीइंग कि ये ZXi मॉडल, इसलिए आपको सब चीजें इसमें मिलती है। साइड प्रोफाइल की तरफ देखते हैं तो बिल्कुल एक फील आती है कि हाँ, अगर आपने सेकंड हैंड गाड़ी भी खरीदी है तो ओके रिपोर्ट गाड़ी है। पीछे की तरफ अगर आप लोग देखना चाहते हैं, ओके रिपोर्ट बिल्कुल गाड़ी है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। विशाल ने अभी इसको करके रखा हुआ है। गाड़ी के ऊपर से एज सच अभी तक इसके इंटीरियर के ऊपर कोई काम नहीं किया गया, लेकिन गाइस जिस प्राइस रेंज में गाड़ी मिली थी उस टाइम पे कंपनी ने बहुत क्लियरली बताया था कि आप एक बार गाड़ी की टेस्ट ड्राइव ले लो। गाड़ी की टेस्ट ड्राइव ली थी और गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लेने के बाद ये गाड़ी बहुत अच्छी लगी। एंड क्या ये डील अच्छी थी या बुरी थी, तो गाइस इसका जवाब है 100% दिस डील वॉज ओके। लेकिन जब मूवी का आपने अच्छा पार्ट देख लिया तो आप चलते हैं बुरे पार्ट की तरफ, क्योंकि गाड़ी में अभी रिसेंटली बिल्कुल 18 या 19 हज़ार रुपये लगाए गए। क्यों लगाए, कैसे लगाए, इसके बारे में विशाल से बात। तो 18-19 हज़ार रुपए गाड़ी के ऊपर लगाए गए। आप लोगों को बताया था जब गाड़ी परचेज की थी, विशाल गाड़ी में कोई दिक्कत थी? गाड़ी में ऐसा कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन सस्पेंशन में से थोड़ी आवाज़ें वगैरह आती थी। एंड सस्पेंशन से क्यों आवाज़ आती है मेरे भाई, 2010 मॉडल है, 2018 में खरीद रहे हो, 8 साल पुरानी गाड़ी है, ऑफकोर्स ही बात है आपको कंडीशन इतनी अच्छी नहीं मिलेगी। लेकिन स्टिल गाइस, इंजन वाइज और बॉडी वाइज, इंटीरियर वाइज, एक्सटीरियर वाइज अगर आप लोग देखते हो तो गाड़ी A1 में थी। विशाल कितने रुपए इसके ऊपर अभी इन्वेस्ट किए? बस वही, मतलब जो सस्पेंशन चेंज कराया था, एक गैस प्लेट चेंज कराए थे इसके, ठीक है, बस बाकी बेसिक काम हो रहा, बेसिक काम जो हल्का फुल्का होता है वो किया था। और इसकी कॉस्ट करीबन 18 से 20 हज़ार रुपए के बीच में आई थी, और ये सब जेन्युइन जगह से कराया है। मैं आप लोगों को बताया था क्लच जो था इसका ओके था, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आ रही थी, लेकिन जो थोड़ा सा क्लच टाइट हो रखा था जिसकी वजह से भाई ने इसको चेंज करवा दिया। लेकिन आप लोगों को एक चीज अपने से बता देता हूँ, गाड़ी के जो मेन चीजें हैं जब आप सेकंड हैंड गाड़ी खरीद रहे हो भाई, गाड़ी का इंजन, गाड़ी का सस्पेंशन, इंटीरियर और एक्सटीरियर इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है जितना आपका इंजन और आपके मतलब ये सब चीज़ें करती है, क्योंकि यही चीज़ है जो गाड़ी को लॉन्ग टर्म में लेके जाती है। तो प्लीज़ गाइस, अगर सेकंड हैंड गाड़ी खरीद रहे हो तो ये चीज़ें अपने दिमाग में ज़रूर रखना। ओके गाइस, तो आप लोगों को गाड़ी की सबसे लाइट दिखा देता हूँ। सो
होता क्या है, इतने साल पुरानी गाड़ी होती है तो ये जो पूरा आपका होता है ना, ये पीला हो रखा होता है या ख़राब हो रखा होता है, लेकिन स्टिल आप लोगों को कहना चाहूँगा पीलापन है लेकिन बहुत हल्का है, जिसकी वजह से विजन में कोई भी दिक्कत नहीं है। दोनों आप देख सकते हैं इसके। इसके बाद मैं आपको पीछे की साइड में लेके जा रहा हूँ। पीछे की लाइट्स में ऑल दो आप लोगों को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती, लेकिन स्टिल इट्स ग्रेट और आप लोगों को एक ओवरव्यू मिल जाता है। इसी के बाद आप जो लिखा हुआ देख रहे ए स्टार, इसमें थोड़ी सी आपको रस्टिंग लग रही होगी, सो बारिश की वजह से थोड़ी सी रस्टिंग होगी। इसके सिवा इसमें आप कोलगेट लगा के पूरा साफ करोगे तो ये फिर से चमक जाने वाली है। इसी के साथ साथ में गाड़ी में ऐसा सच कुछ था नहीं जो कि चेंज कराया जाए, तो सीधे चलते हैं गाड़ी के इंजन की तरफ। दिस इज हाउ द कार लुक्स लाइक, बहुत नीट एंड क्लीन है, बिल्कुल क्लीन करा रखा है गाड़ी को। विशाल एक चीज और बता दे भाई, कितने सीसी में गाड़ी आती है? ये 1000 सीसी की है। 1000 सीसी की है। इसका एक रीजन था कहीं ना कहीं इस गाड़ी को खरीदने का? हाँ, ये भी रीजन था, मतलब और बाकी प्राइस रेंज जो सही थी इसकी। अच्छा, इसका प्राइस रेंज अच्छा है। एवरेज के बारे में भी बात करेंगे जब गाड़ी को ड्राइव करेंगे, लेकिन मीनवाइल आप लोग देख सकते हैं गाड़ी में इंजन के ऊपर एक रुपए का भी कुछ काम नहीं करवाया गया, केवल क्लच प्लेट और जो सस्पेंशन था उसी का काम हुआ था। सो अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। गाइस, गाड़ी सेकंड हैंड है लेकिन गाड़ी के अंदर आपको दो एयरबैग्स मिलते हैं, रीजन बीइंग कि 2010 का ABS वाला ये मॉडल है, सो दो एयरबैग्स मिलते हैं। गाड़ी का जो डैशबोर्ड है वो कह सकता हूँ अपने जिस टाइम पे गाड़ी आती थी उस टाइम पे इसने बहुत अच्छा धूम मचाया था। अगर आप लोग स्पीडोमीटर की तरफ देखना चाहते हैं, बिल्कुल नॉर्मल लुकिंग स्पीडोमीटर मिलता है, स्टीयरिंग बिल्कुल नॉर्मल है। इसी के साथ साथ में गाड़ी का AC बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, और जो आप ये वॉकी टॉकी देख रही है बेसिकली आपकी ऑक्स की वायर है जिससे आप गाने कनेक्ट करके चला सकते हैं। सिस्टम बिल्कुल इसके अंदर इनबिल्ड आता है, AC का कंट्रोल आपको मिलता है गाड़ी में। ऑफ कोर्स ही बात है, ऑटोमेटिक आपको क्लाइमेट कंट्रोल नहीं मिलता है, आपकी हैजार्ड लाइट। इसी के साथ साथ में अगर आपको अपना चार्जिंग पोर्ट लगाना है तो आप वो इसमें लगा सकते हैं। आपको दो कप होल्डर्स मिलते हैं। इसी के साथ साथ में 5-स्पीड का गियरबॉक्स मिलता है। यहाँ पर आर्मरेस्ट नहीं है, चाहो तो आप लोग आफ्टर मार्केट से लगा सकते हो, लेकिन क्या विशाल जरूरत है? नहीं, ऐसा तो जरूरत नहीं होती, पर वो ये कंफर्ट के ऊपर होता है सब। और एक चीज और मेरे को बता, जब तू इसको ड्राइव करता है तो मतलब कैसी फील आती है? ऑफ कोर्स बात है, नई गाड़ी वाली फील तो नहीं आएगी, लेकिन तेरे को लगता है कि हाँ यार, एक जो स्पेंड किया मनी वो बिल्कुल वर्थ था? हाँ, वो तो बिल्कुल एवरी पेनी वर्थ लगती है मेरे को, बिल्कुल। ये चीज आप इसकी मतलब क्वालिटी भी काफी अच्छी चलाने की, आफ्टर सर्विस के बाद काफी स्मूथ चल रही है गाड़ी, एवरेज भी अच्छा दे रही है। ठीक है, एक दिक्कत है कि जो हाइट है, राइड हाइट, इसमें राइड एडजस्टेबल नहीं है। अच्छा, इसमें मतलब हम लोग सीट एडजस्ट नहीं कर सकते? मतलब ऊपर नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें जरूरत है थोड़ी ऊपर करने की, क्योंकि आप डैशबोर्ड देखते हैं डायरेक्ट इसमें। तो गाइस, आपको विशाल ने फिर भी एक ओवरव्यू बता दिया है, तो आप लोग देख सकते हो अगर ये विशाल के अकॉर्डिंग इतना है तो हाँ, ये चीज आप लोग कह सकते हैं। लेकिन जो मेरे बड़े भाई है लंबे हाइट के, उनको कोई दिक्कत होगी? नहीं ज्यादा, मतलब 6 फीट तो 6'1" 6'2" उनको आराम से चला सकते हो तो। और गाइस, इसी के साथ साथ में गाड़ी में आपको अच्छा खासा हेडरूम मिलता है। विशाल की हाइट होगी 5'10" है, बहुत आराम से हेडरूम मिलता है। लेग रूम के बारे में बात करोगे तो लेग रूम भी काफी अच्छा है, पीछे बैठने वालों के लिए भी अच्छा है, ऑल्दो पूरी अभी सीट पीछे की हुई है। सो जो लास्ट चीज रह रही है वो है विशाल भाई, इसकी एवरेज क्या आ रही है? इसकी एवरेज अभी 15 की एवरेज दे रही है। 15 की एवरेज है इसकी। और गाइस, आप इस वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज सीट बेल्ट हमेशा पहना करो यार, भाई चाहे आसपास ही घूम रहे हो। सो मैंने एक वीडियो में जो है हेलमेट नहीं पहना था, मेरे को काफी लोगों ने बोला यार आप मार्केट में घूम रहे हो, आपने हेलमेट क्यों नहीं पहना? तो गाइस, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, लेकिन अब से आने वाली वीडियोस में आपको मैं हेलमेट पहना हुआ दिखूंगा, और वो भी आधे किलोमीटर के लिए मैंने नहीं पहना था, सो बुरा मत मानना यार। सो 15 की एवरेज है, गाड़ी ओके है। अब बात करेंगे जब इसको परचेस किया था तब कैसा एक्सपीरियंस हमारा रहा था, करे बात। गाइस, तो ये गाड़ी जब परचेस की गई थी तब ये थी 60,000, पेट्रोल वेरिएंट ये है, और ये गाड़ी भाई ने चला दी है 8,000 किलोमीटर। कुछ ज्यादा जल्दी नहीं चला दी? बस यार चला दी तो थोड़ा अप डाउन ज्यादा होता है, तो इसकी वजह से गाड़ी 8,000 चल चुकी है। अब जो है सबसे जरूरी चीज जो मुसाफिर आपके साथ शेयर करने वाला है, जब भी सेकंड हैंड गाड़ी खरीद रहे हो क्या फ्रॉड हो सकता है, और भाई ने क्यों ऑथराइज जगह से गाड़ी खरीदी? क्योंकि डीलर तो बहुत सारे पड़े हैं लेकिन गाड़ी कैसे मिलती है उनके पास? गाड़ी यार बिल्कुल बेकार होती है उनके पास सारी, मतलब बेकार नहीं होती है, वो बिल्कुल वर्स्ट होती है। वो दिखने में अच्छी होगी लेकिन जब उसको आप खरीद के घर ले जाओगे ना तो पुट्टी गिरनी स्टार्ट हो जाती है। तो विशाल अभी गाड़ी ड्राइव कर रहा है तो विशाल को मैं ज्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं करूंगा। सो आप लोगों के साथ एक सोल टू सोल वाली बात विशाल और मैं करना चाहते हैं। व्हेनेवर यू आर प्लानिंग टू गो फॉर सेकंड हैंड कार, बहुत सारी इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड मैंने आपको दी है जो बहुत सारे भाइयों को हेल्पफुल भी थी और उनका काफी अच्छा काम अभी तक चल रहा है और उनके साथ फ्रॉड नहीं हुआ। लेकिन गाइस, जब आप सेकंड हैंड गाड़ी खरीदने जा रहे हो तो अगर डीलर से आप कोई भी गाड़ी खरीदते हो, सबसे पहली चीज जो आप लोग एक्सपेक्ट करो और वो आपको मिलना ही है, आपका जो स्पीडोमीटर के अंदर जो मीटर देखते हो ना, वो आपको कहेंगे सर 2014 मॉडल है, गाड़ी कितनी चली है? 30,000 चली हुई है।
अब आप भी बोलोगे यार 30,000 चली हुई है, बहुत सही गाड़ी है, तो और वो कहेंगे हम इसके सर्विस रिकॉर्ड भी दिखा देते हैं। तो सर्विस रिकॉर्ड में गाइस क्या होता है, 25,000 तक का सर्विस रिकॉर्ड होगा। कहेंगे सर उसके बाद 5,000 चलाई है, आप एक सर्विस करा लेना। लेकिन गाइस यहीं पर आपके साथ फ्रॉड होता है, ये गाड़ी चली होगी बहुत आराम से 60,000 नहीं तो 55,000, ये लोग उसको रोल बैक कराए थे जहां पर आपकी सर्विस होती है ना उसके आसपास, जिससे आपको शक ना हो। सो गाइस उनका भी ये काम है, लेकिन किसी को फ्रॉड करके आप गाड़ी बेचोगे तो यार पता नहीं, आई रियली डोंट नो कि आपके कस्टमर आगे चल के कैसे बनेंगे, लेकिन स्टिल आपके साथ ये चीज हो सकती है और बहुत सारे लोग इसको फेस करते भी है। सो नेक्स्ट चीज विशाल, डीलर से गाड़ी ना खरीदने का मेन रीजन तेरे मन के अंदर क्या था? यार वो एक तो सच बात नहीं बताते, इंजन का कुछ भी काम होता है वो कुछ नहीं बताते, उनको खुद भी नहीं पता होता शायद से। राइट, बिल्कुल सही बात कह रहा है, ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। आप मैकेनिक भी ले जाओ तो वो भी उस टाइम पे नहीं बता पाता, जरूरी नहीं कि उस टाइम पे बता पाए। बिल्कुल, इस चीज को नोट करके इसके बारे में थोड़ा इलैबोरेट मैं कर देता हूँ। सो होता क्या है, जिस टाइम पे उनके पास भी कोई गाड़ी बेचने के लिए आता है, अगर मैं एक कस्टमर हूँ, मेरी गाड़ी में कुछ दिक्कत है, मैंने बेच दिया चाहे सस्ते में गाड़ी बिक जाए, वो लोग चेक नहीं कराते, वो उस गाड़ी को ट्यून अप करा लेते हैं। विशाल ट्यून अप का क्या मतलब होता है, एक बार बता दे। मतलब यार ऊपर ऊपर से काम हो जाता है कि उस टाइम के लिए मतलब महीना मैक्स टू मैक्स आपका महीना चलेगा, बढ़िया चलेगी, फिर महीना तो ऐसी चल जाएगी ना कि आप बोलोगे यार मक्खन गाड़ी है तो ले लो इसको। लेकिन गाइस एक महीने के बाद आपको असली औकात उस गाड़ी की पता चलेगी, और अब इसको फ्रॉड कह लो या इसको टैक्टिक कह लो, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग कस्टमर के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपका भाई आपके लिए ऐसी इंफॉर्मेशन हमेशा लेके आता है, क्योंकि जो सच है वो आप लोगों तक पहुंचना चाहिए। भाई ने कहां-कहां पर अप्रोच किया, ट्रू वैल्यू, उसके बाद अपने जो ऑनलाइन कार 24 कार ट्रेड, इन सबसे भाई ने कॉन्टेक्ट किया, प्राइस भी देखी, गाड़ियां भी देखी, ऐसी बात नहीं है ए स्टार नहीं मिली हमें, ए स्टार अच्छी अच्छी ए स्टार मिली। लेकिन गाइस जैसे ही आप उनका प्राइस सुनोगे, प्राइस होगा उनका 2.5 लाख, 2.5 लाख रुपए की ए स्टार बेच रहे थे लोग, लिटरली 2.5 लाख रुपए की ए स्टार बेच रहे थे। 2010 मॉडल, और मतलब एलेक्साई मॉडल था वो, और वो लोग 2.5 लाख रुपए का बेच रहे थे, एंड बहुत उसके बारे में सोचा, लेकिन लास्ट में आप कह सकते हैं भाई ने एक क्रैक की डील और गाड़ी लेके आ गए घर पे, एंड इट्स अ वेरी गुड राइड। थोड़े से पैसे आपको सेकंड हैंड गाड़ी में अगर लगाने पड़ जाए, इंजन से रिलेटेड नहीं, अगर हल्के फुल्के लगाने पड़ जाए तो इट्स अ गुड डील। सो लास्ट में इस वीडियो को जब कंक्लूड मैं कर रहा हूं, तो आप लोगों को एक चीज सजेशन दूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं आपको ये जब सेकंड हैंड गाड़ी खरीदने जाओगे वो चेंज दिखाएगा। अगर आप किसी ट्रस्टेड जगह से खरीदते हो गाड़ी, बेशक आपको महंगी मिलेगी, 6 महीने या 1 साल की आपको वारंटी मिलती है, विच रियली प्लेज अ वेरी गुड रोल। वहीं पर इन बड़े ब्रांड से गाड़ी खरीदने का लॉस क्या होता है, ये लोग मुंह मांगे पैसे मांगते हैं, क्योंकि भाई 6 महीने की 1 साल की वारंटी दे रहे हैं तो मुंह मांगे ये लोग पैसे मांगते हैं। तो आपके ऊपर ये डिपेंड करता है कि आप कैसी गाड़ी खरीदना चाहते हैं। मैं आपको कहूंगा अगर आप डीलर से भी लेते हो तो ले सकते हो, लेकिन थोड़ा सा क्लैरिटी रखो, अपने किसी जानने वाले से लो, और अगर आप लोग ऑफकोर्स ही बात है किसी कंपनी से खरीद रहे हो, गाड़ी महंगी जरूर मिलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट आपको बना हुआ मिलता है। और जो कहते हैं कि कंपनी वाले रोल बैक नहीं कराते किलोमीटर्स, वो बिल्कुल गलत कहते हैं, कंपनी भी करवाती होगी, बिल्कुल करवाती है भाई, कहां से बिकेगी नहीं तो गाड़ियां। ये चीज अपने दिमाग में रख लो, इफ एनीबडी फ्रॉम एनी ब्रांड वॉचिंग दिस वीडियो, या फिर कोई भी कहीं से भी जो गाड़ी बेचते हैं, स्पेशली जो अच्छे ब्रांड की गाड़ियां बेचते हैं, तो गाइस आप लोग कमेंट करके बताना कि क्या ऐसा होता है कि नहीं होता, नाम नहीं लूंगा लेकिन बताना जरूर। सो इसी के साथ आज की इस वीडियो को एंड करते हैं, और अगर ऑप्शन चाहिए गाड़ी देखने का तो OLX क्विकर में भी बहुत मिलती है, OLX और क्विकर में मिल जाती है, मतलब आप डायरेक्ट ओनर से कॉन्टेक्ट करके ले सकते हैं। हाँ, अगर डायरेक्ट ओनर से मिल जाए तो बहुत बढ़िया यार, उससे तो अच्छी कोई चीज ही नहीं है। लेकिन गाइस OLX में भी आपको फुद्दू बनाते हैं लोग, आप लोगों को पहले बताता हूँ, गाड़ी बाहर से बहुत दिखने में अच्छी होगी लेकिन अंदर से सबसे पहले चेक करवाना इंजन बैक तो नहीं है, जिन जिन भाइयों को पता है वो समझ गए होंगे। सो वीडियो को एंड करते हैं, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना है, और प्यार तो आप लोग बरसा ही रहे हो, बहुत जल्दी 4 लाख फैमिली मेंबर हिट करना है, जो कि मैंने सोचा हुआ है कि जल्द से जल्द हमने हिट करना है। 40,000 पीछे थे, अब तो और कम हो गए। सो मुसाफिर को इंस्टाग्राम में फॉलो करना है, लिखिए MUSAFIR7811 यानी कि MUSAFIR7811। फेसबुक में फॉलो करना है, लिखिए मुसाफिर आका जोशी। तो अब कर देते हैं वीडियो एंड कर दे, तो टिल देन कीप वॉचिंग एंड बाय बाय, ऐसे कर दे ऐसे, ये नया स्टाइल है।